नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मोटापे से जुड़ी हुई बीमारियों की, यानी को मॉबिलिटीज़ जो ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड है। लोगों को लगता है कि मोटापा एक अपने आप में अलग बीमारी है, लेकिन मोटापे के साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अपने आप ही जुड़ जाती हैं। या तो ऑलरेडी आप में वो मैनिफेस्ट हो रही होंगी, या धीरे धीरे वो आपके बॉडी में उभरने लगेंगी। मोटापे की वजह से, वजन ज़्यादा होने से पूरे बॉडी में असर पड़ता है, बहुत सारे बैड हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं और इसीलिए हर सिस्टम जो हमारी बॉडी में काम कर रहा है उस पर ही असर डालता है। ये सिर्फ ओवरलोडिंग की वजह से ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और मैकेनिज्म हैं, कुछ नोन हैं कुछ अननोन हैं, जिनकी वजह से हमारे हर लगभग हर सिस्टम में मोटापे से नुकसान होता है। सबसे पहले बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ का मोटापे से बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो शुगर कंट्रोल करना भी मुश्किल है, और जो शुगर के अगेंस्ट हम दवाइयाँ दे रहे हैं उनका इफेक्ट इट्सेल्फ भी कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ ओबेसिटी बहुत सारे बैड हार्मोन्स जो हमारे इंसुलिन को इफेक्ट नहीं करने देते वो बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती। मोटापा इट्सेल्फ डायबिटीज़ होने का कारण भी बन सकता है, और उसे कंट्रोल ना हो इसका एक कारण भी बन सकता है। जिन डॉक्टर से भी आप डायबिटीज़ की दवाई ले रहे होंगे वो आपको कहेंगे कि आप वेट लूज़ कीजिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका वेट इतना ज़्यादा है कि वो BMI 32.5 से बढ़ गया है तो यूजुअली ये वेट लूज़ करना मुश्किल रहता है। और आजकल डायबिटीज़ वाले पेशेंट इवन 27.5 BMI पर भी बेरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी चूज़ कर सकते हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए और शुगर को ठीक करने के लिए। फिर बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। मोटापे से BP बढ़ जाता है और इससे बहुत सारी हार्ट कंडीशंस या हार्ट के बीमारियां भी जुड़ सकती हैं। अगेन, जो BP का बढ़ना है ये सिर्फ हमारे हार्ट वाले सिस्टम को ही इफ़ेक्ट नहीं करता, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें खून की नसें जाती हैं और उनमें BP बढ़ने से बहुत सारे सिस्टम्स पे असर पड़ता है। इसमें से मेन है हमारी आंखें, हमारे किडनीज, जिन पे हाई BP होने की वजह से बहुत जल्दी नुकसान हो सकता है। अगर मोटापे से डायबिटीज़ है और इवन अदरवाइज भी डायबिटीज़ होने से हमारी बॉडी के अगेन हर एक ऑर्गन को असर पड़ता है। तो जैसे ओबेसिटी की वजह से हमारे ऑर्गन्स ख़राब हो रहे हैं, अगर डायबिटीज़ भी हो जाती है तो वो भी हमारे लगभग हर हिस्से को डैमेज करती है। फर्दर जो ओबेसिटी से नुकसान हो रहा है उसे एग्रावेट करती है, और ये दोनों पावर्स मिलकर बॉडी को बहुत जल्दी डिटेरियोरेट करती हैं। हमारे सभी सिस्टम्स जैसे कि CNS, हमारा हार्ट, हमारी किडनीज, लिवर, हमारी आँखें, इन सब सिस्टम्स पर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। इसके बाद ओबेसिटी की वजह से सांस लेने में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आती है। हमारा प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, पेट का प्रेशर और छाती के ऊपर फैट होने की वजह से इसका एफर्ट बढ़ जाता है, और इसीलिए ये पेशेंट्स प्रॉपरली सांस लेने में असमर्थ रहते हैं। और सेकेंडली, थ्रोट के अंदर फैट का ज़्यादा होने की वजह से इन्हें सोते हुए कठिनाई होती है, लाउड स्नोरिंग होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और इससे भी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज रहता है। एक कंडीशन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसका मतलब है कि जब पेशेंट जिसका वेट ज़्यादा है वो लेटते हैं और सो जाते हैं तो थ्रोट के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और उससे ऑक्सीजन बॉडी में कम होती है। फिर बार बार उन्हें नींद टूटती है, वो एक कुछ सेकंड्स के लिए उठते हैं जिससे कि ऑक्सीजन पूरी होती है, अगेन दे फॉल बैक टू स्लीप। तो इस कंडीशन में उनकी नींद पूरी नहीं होती और दिन में उन्हें बार बार नींद आती है, पूरा दिन थकाव महसूस करते हैं, और इस कंडीशन की वजह से उनका हाई BP हो जाता है, हार्ट कंडीशंस हो जाती हैं, और कई सारे ऐसे पेशेंट्स की सडन डेथ हो सकती है ड्यूरिंग स्लीप या इवन ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ लोगों को ओबेसिटी की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम भी देखी गई है, तो अगर वेट कम होगा तो ये अस्थमाटिक अटैक्स भी कम होंगे। इसके बाद जो जॉइंट पेन्स हैं, स्पेशली जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं जैसे कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट, इनमें वेट ज़्यादा होने की वजह से लोड ज़्यादा पड़ता है और ये जॉइंट्स नॉर्मल पेशेंट्स के या नॉर्मल इंसानों के बदौलत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। अगर पेशेंट्स बेरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं या इवन किसी और मेथड से बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं तो इन जॉइंट्स पर वेट कम होने की वजह से इन पे पेन कम होगा, इनकी डिटेरियोरेशन कम होगी और आप ज़्यादा समय तक इन्हीं जॉइंट से काम ले पाएंगे। अगर जॉइंट्स इतने ख़राब हैं कि जॉइंट्स रिप्लेसमेंट करने की तौमत आ गई है, तो अगर वेट ज़्यादा रहेगा तो जो नए लगाए हुए जॉइंट्स हैं वो भी जल्दी ख़राब होने का अंदेशा रहेगा और ये ऑपरेशन करना भी मुश्किल होगा। सो अगर आप इस ऑपरेशन से पहले वेट लूज़ कर लेते हैं तब भी आपके ऑपरेशन के बाद सक्सेस रेट्स बेटर होंगे और ज़्यादा सालों तक आपके जॉइंट्स काम कर पाएंगे। इसके बाद लिवर पर भी मोटापे से असर पड़ता है, बहुत सारी फैट लिवर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। अगर आप स्कैन करवाएंगे तो उसमें यूजुअली फैटी लिवर आएगा। फैटी लिवर का मतलब है कि लिवर के अंदर फैट जम गई है और धीरे धीरे ये लिवर को ख़राब करती जाती है। बहुत लंबे समय तक फैटी लिवर रहने से या हाई ग्रेड रहने से धीरे धीरे लिवर फेलियर भी हो सकता है।
किसी भी कारण से अगर वेट कम होगा तो ये अपने आप ही ये कंडीशन धीरे धीरे रिवर्स होती जाती है और लिवर में से फैट निकलता जाएगा, लिवर और हेल्दी बनता जाएगा। बहुत सारे लोगों को मोटापे की वजह से इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही फर्टिलिटी कम हो जाती है और जैसे ही वेट लूज़ करते हैं बहुत सारे कपल्स अपने आप फर्टाइल हो जाते हैं और बहुत बिना किसी ट्रीटमेंट के ही इनमें से बहुत सारे लोगों का नेचुरली कंसेप्शन हो सकती है। अगर फीमेल्स ज़्यादा वेट के साथ कंसीव करती हैं तो उनकी प्रेगनेंसी में मोटापे की वजह से कॉम्प्लिकेशंस का रेट बढ़ जाता है और इवन डिलीवरी या सिजेरियन के टाइम पर भी रिस्क बढ़ा रहता है। सो इवन आप बिफोर प्रेगनेंसी अगर बेरियाट्रिक सर्जरी भी करवा लेते हैं तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं और रादर ओबीज लोगों के मुकाबले में ये प्रेगनेंसी उम्मीद है कि बेटर रहेगी। PCOD फीमेल्स में एक बहुत कॉमन कंडीशन है, हो सकता है कि इसका ओबेसिटी के साथ रिलेशन हो और ये भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन देखा गया है कि ज़्यादातर लोग आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी उनका PCOD रिवर्स हो जाता है जब वो वेट लॉस अचीव कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी की वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाती है स्पेशली फीमेल्स में, यानी कि जब किसी जोर का काम करते हैं या जैसे छींक आए जिससे पेट का प्रेशर बढ़ता है तो उससे यूरिन का कुछ लीकेज होना बड़ा कॉमन है और क्योंकि पेट का प्रेशर ज़्यादा है इसके रीज़न से ये देखा जाता है और वेट लॉस के बाद इसका भी रेजोल्यूशन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। बहुत सारे ओबीज लोग फील करते हैं कि उनके पैरों में स्वेलिंग है, इसका रीज़न है कि पैरों में प्रेशर ज़्यादा रहता है, वेंस में भी प्रेशर ज़्यादा रहता है और इस कारण में स्वेलिंग होने लगती है। स्वेलिंग लगातार भी हो सकती है और ज़्यादा लंबा सफ़र करने पर जब पैर नीचे लटके रहते हैं उस टाइम पे भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशंस में यूजुअली जब आप वेट लॉस अचीव करेंगे उससे काफ़ी हद तक ये रिजॉल्व हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी की वजह से डिप्रेशन रहता है, इसका सीधा सीधा बॉडी शेमिंग के साथ भी रिलेशन हो सकता है, इवन अदरवाइज भी हो सकता है और जैसे पेशेंट वेट लूज करते हैं ज़्यादातर लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। माइग्रेन एक ऐसी कंडीशन है जिससे वेट लॉस में हेल्प मिलती है। बहुत सारे लोग जब आफ्टर सर्जरी देखते हैं कि पहले से उनकी हेडेक अब काफ़ी कम हो गई है बिकॉज वेट ज़्यादा होने की वजह से भी माइग्रेन के अटैक्स ज़्यादा देखे गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर्स हैं पेट के जो ओबेसिटी के साथ लिंक्ड हैं, यानी कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इन कैंसर्स का होने का इंसिडेंस ज़्यादा है, जैसे CA ब्रेस्ट, CA प्रोस्टेट, CA ऑफ पैंक्रियास, यूट्रस, इन सब का जो इंसिडेंस है वो ओबीज लोगों में ज़्यादा देखा गया है। सो अगर आप टाइमली अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो इन कैंसर्स का होने का रिस्क भी कम हो सकता है। ओबीज लोगों में अगर कोई सर्जरी करनी पड़े किसी भी प्रकार की, चाहे हर्निया हो या गॉल ब्लैडर, उनमें नॉर्मल लोगों के मुकाबले थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। सो अगर आप समय रहते वेट लूज कर लेंगे तो आने वाले टाइम में अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसकी इलाज जो है पहले के मुकाबले बेटर हो पाएगा, उसका रिस्क कम हो जाएगा और आपको नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको आइडिया लगा होगा कि ओबेसिटी सिर्फ एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम नहीं है, आपके बॉडी का हर अंग इससे अफेक्टेड है और अगर आप टाइमली वेट लूज़ कर लेंगे तो आप एक मच बेटर और एक मच हेल्दियर लाइफ जी पाएंगे।